निकलने का तो मन ही नहीं है। ये घर पूरा क्या खाली खाली घर हो गया है अभी। बहुत ही गर्मी है भाई शंघाई में। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि हम पहुंच गए हैं शंघाई में। नए दिन, नया व्लॉग और नए शहर में आपका स्वागत है। तो मैं सोच रहा था कि अब नया सिटी है, सब कुछ नया है, तो क्यों ना कुछ नया ट्राई किया जाए। तो आज से मेरा वेलकमिंग नोट होगा केम छो नमस्ते। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। केम छो इसलिए कि मैं हूँ गुजरात से। केम छो मतलब हाउ आर यू, इट्स अ ग्रीटिंग इन गुजराती। तो आप भी लिख देना कि केम छो। केम छो का रिप्लाई होता है मजामा, आप मज़े में हो, मज़ा कर रहे हो। आप देख सकते हो कि मेरे घर के नज़दीक कितना अच्छा एक लेक है, बहुत ही बढ़िया जगह है ये। ये हमारे अपार्टमेंट्स है। तो पिछले वाले वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने हमको विश किया कि बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर जर्नी, और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। काफ़ी लोग इमोशनल भी हो गए थे और बोल रहे थे कि आप जा रहे हो चाइना छोड़ के, बट नहीं, ऐसा नहीं है। हम चाइना छोड़ के कहीं नहीं जा रहे। जैसा कि आप देख सकते हो कि हम शंघाई में हैं और अभी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। फॉर ऑल द पीपल हु सपोर्टेड अस, थैंक यू वेरी मच गाइस, और आगे भी सपोर्ट करते रहना। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, हाउस हंटिंग हो गया, बहुत सारी जगहों पे हम घूम चुके हैं, तो वो सारे वीडियोस बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और ये वीडियो को शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। सो अभी आप देखो कि हम यहाँ पर कैसे आए, ये पूरा प्रोसेस क्या हुआ, कितनी कितनी प्रॉब्लम्स हमने फेस की। थैंक यू वेरी मच गाइस। क्या ब्यूटीफुल सनराइज हो रहा है ना, 5:25। वहाँ पे कितनी सारी लाइन है, यहाँ पे कोई लाइन नहीं है बिकॉज ऑफ बेबी। बेबी के साथ ट्रैवल करने में काफ़ी प्रॉब्लम है, कितनी सारी चीज़ें वो चेक करवाते हैं, और मेरे पास कैमरा और वो सब कुछ निकालना पड़ता है, एक एक करके वो चेक करेगा, बैटरी, पावर बैंक, मिल्क हो गया या दवाइयाँ, और वो सब वो लोग टेस्ट करते हैं। दवाइयाँ तो वैसे टेस्ट नहीं करते, बट देखते हैं, चेक करते हैं कि क्या है ये। और मिल्क हर बार हमें टेस्ट करना पड़ता है, उसको दिखाना पड़ता है कि इसमें कुछ नहीं मिला हुआ है। सिक्योरिटी बहुत ही टाइट है यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या करने आए हैं? और ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे लिए, सबके लिए सेम ही है। बट हाँ, ये एक है कि बहुत सारे काउंटर है बीजिंग एयरपोर्ट पे, सिक्योरिटी आपकी जल्द से जल्द खत्म हो जाए, वो लोग ये टेक केयर करते हैं। रीजन क्या है कि हम शंघाई में जाने वाला है? इट इज ऑब्वियस रीजन कि मेरी जॉब चेंज हो रही है। तो अभी होने क्या वाला है, अभी ये होने वाला है कि हम पहले शंघाई जाएंगे, वहाँ पे होटल में रुकेंगे 4-5 दिन, वीजा का प्रोसीजर हम खत्म करेंगे, और उसके बाद घर भी ढूंढेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि हम दिखाएंगे कि शंघाई में घर कैसे ढूंढते हैं, कितना रेंट होता है, और क्या क्या चीज़ें हमें टेक केयर करनी पड़ेगी। बीजिंग काफ़ी अलग जगह थी, शंघाई थोड़ा मॉडर्नाइज है। इस पर हमें विंडो सीट नहीं मिली।
This is one of our favorite films. Yes, my favorite. Very, very emotional one. Neighborhood. Said I'm no genius, but I'm smart in spots, and I stay around those spots. शांघाई में पहुंच गए। काशु बहुत ही एक्साइटेड है। काशु पहली बार शांघाई आ रही है और पहली बार आके ही अभी हम यहीं पे रहने वाले हैं, तो काफी एक्साइटेड होने वाला है ये सफर। It is for the foreigner, I don't know why. It's for the lady. ये नंबर मस्त लग रहा है मेरे को। यहाँ पे पहली बार ऐसा हुआ कि इन्होंने वेद का हेल्थ कोड चेक किया। बच्चों का हेल्थ कोड नहीं होता है, तो इन्होंने एक फॉर्म भरवाया हमसे और जो भी सारी डिटेल्स होती है वो सब भरवाई। सो उसी चक्कर में हम लेट हो गए और आई थिंक हमारी ही बैग्स लास्ट घूम रही है। अरे बाप रे, ये बहुत ही अच्छा है। इन लोगों ने कैसा सजा के रखा है कि किसी को ज़रूरत ना पड़े लेने जाने की। हर जगह पे मैंने देखा, हर एक बेल्ट के नज़दीक ऐसे ऑर्गेनाइज करके रखा है। ये बहुत ही बढ़िया है यार। हम आए थे वहाँ से 31 बेल्ट है, बहुत ही अच्छी बात है। रोबोट यहाँ पे क्लीनिंग कर रहा है, देखो। ये होंगशियाओ एयरपोर्ट भी बहुत ही बड़ा है, सो बाहर आते आते ही टाइम लग गया। नहीं काशु, तो पुलिस वाले ने उसको पकड़ लिया। एक्चुअली कुछ दिनों की होटल हमारी कंपनी की तरफ से है। सो जस्ट हम जब आए तभी मैसेज आया कि होटल चेंज हुए। पहले हमारी होटल थी हयात, बट मैंने उनको बोला था कि मुझे सबवे के नज़दीक वाली होटल चाहिए। सो उन्होंने अभी चेंज किया, पता नहीं अभी कौन सी की है। देखते हैं वहाँ जाके कि कौन सी होटल है। ये अभी आके लेके जाएगा। वर्किंग नेम, या दिस K9C। Five nights. Yeah, the company has booked for 5 nights, but I think we will find house maybe in 3 or 4 days. हम सोच रहे थे कि 3-4 दिन में ही हम यहाँ से घर ढूँढ लें, तो हमको होटल में ज़्यादा दिन नहीं रहना है। बट कंपनी ने 5 दिन तो बुक किया है, फिर अगर और ज़्यादा दिन करना हो तो भी कर सकते हैं।
बहुत सारे कमरे हैं लाइक दिस ओके डबल बेड दी है अरे रे इसको तो बहुत ही मजा आ जाता है जब भी हम जहाँ पे भी होटल में जाते हैं वाह व्यू तो अच्छा है ये कौन सी बिल्डिंग है ये इन लोगों ने दो अलग अलग बेड दे दिए बट कोई नहीं सहलेंगे थोड़ा सा डेस्क है और एक सोफा है दो बेड है और बाकी क्या चाहिए बाथरूम भी अच्छा लग रहा है बाथटब भी है पहले मुझे लगा ये सिर्फ अलार्म क्लॉक है बट इससे सब कुछ रूम का कंट्रोल होता है लाइक टीवी डेस्क फ्लोर जहाँ पे भी लाइट्स है एयर कंडीशन भी यहाँ से कंट्रोल होता है यहाँ से लाइट ऑफ एप्पल इट्स नॉट ऑरेंज मुझे यहाँ पे एक अजीब सी ही चीज मिली इसका नाम है पिलो मेनू पिलो का भी मेनू है यहाँ पे हेल्थ पिलो एंटी बैक्टीरियल पिलो मेमोरी फोम पिलो इसमें से आपको जो भी पिलो चाहिए आप मंगा सकते हो उसमें लिखा भी है क्या मटेरियल होगा अंदर फीलिंग का मतलब नींद का बराबर से ख्याल रखा जा रहा है हम जाएंगे अभी थोड़ी देर में वहां पे लेट्स गो ये वाली बिल्डिंग तो काफी ऊंची है भाई ये बिल्डिंग है अपनी होटल और ये है हम और अभी हम करेंगे थोड़ी सी पार्टी माय पार्टी हो रही है वाव यार क्या मस्त जगह है ये तो देख तू कोई इस साइड जाना है ये रही अपनी होटल आई थिंक इसी साइड है और जितने भी लोग देख रहे हो प्लीज़ यार अभी तक इतना तक देखा है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मैंने कई बार देखा है लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ कोई तरीका है भीख मांगने का गो स्ट्रेट वाओ ये भी एक मॉल ही है ये बिल्डिंग क्या ज़बरदस्त बनाई है ना लुई विटॉन होटल के नज़दीक बढ़िया सा गार्डन है क्या बढ़िया गार्डन है ये चीज़ मैंने नोटिस की है बीजिंग में भी जहाँ पे भी बिजनेस पार्क्स होते हैं वहाँ पे वो लोग गार्डन तो बना ही देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तो है ही उसके साथ साथ पेड़ और गार्डन आपके आसपास हो तो काम करने में ही ज़्यादा मज़ा आता है अगर आपने मेरा ऑफिस वाला ब्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा जो मेरी बीजिंग की ऑफिस थी वहाँ पे भी ऐसा ही कुछ गार्डन था और जो मेरी नई ऑफिस है वो बिल्कुल यहीं पे है यहीं कहीं पे है 500 मीटर में ही है इसी एरिया में है ये एक और मॉल आ गया वहाँ पे भी मॉल है होटल से निकले इतनी देर में हमने 3-4 मॉल तो देख ही लिए यहाँ पे जितनी भी हमने बिल्डिंग्स देखी बहुत ही शानदार बिल्डिंगे हैं आप देखो ये वाले भी कितनी बढ़िया है कैमरे में भी फिट नहीं हो रही है So, oh, ये रही मेरी ऑफिस अच्छा यही है मेरी ऑफिस कहाँ है यही है यही है मेरी ऑफिस अरे वाह यार इतना शौक हो गया हमें यही है मेरी ऑफिस मुझे पता ही नहीं है कि ये मेरी ऑफिस है यहाँ भी मजा आएगा काम करने में यहाँ पे सब बेकरी और रेस्टोरेंट्स ही है लोटस लैंड ये रहा बाहर बैठ के खाना है नहीं इतनी धूप में तो कौन बाहर देखना डोसा भी मिलता है तेरे को तू बोल रही थी ना कब से शायद मिल जाएगी ढूंढा या डोसा मिला नहीं अभी
यार ये जगह बहुत ही बढ़िया है। डोसा हमने भी है और यहाँ वेजिटेरियन डिश भी है। वेजिटेरियन डिश हाँ, यहाँ पे लिखा है प्यार एक कमल के फूल की तरह है, लव इज लाइक अ लोटस फ्लावर। वन एंड हाफ ईयर हम बाहर का डोसा खाएंगे। कैसा है मसाला डोसा? हेवी सी, यू नो आपको सब अंदर से ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि हमें बाहर का ही खाना है। तो अभी देखते हैं। ओह ओके माय वाओ। मंगवाते तो चाइनीज जो भी लोग होते हैं वो शॉक हो जाते हैं कि रो ऑनियन क्यों खाना है, बट उनको क्या पता रो ऑनियन खाने का मजा क्या है। और ये आ गई है हमारी इंडियन चाय। आज सुबह 4 बजे के उठे हैं तो बहुत ही थक गए हैं, और उसके अलावा हमने अभी पनीर की सब्जी और राइस खाया है तो मतलब पेट बहुत ही फुल हो गया है। अभी तो बहुत नींद आ रही है, चला भी नहीं जा रहा हमसे।